Are we really free? Depends on who we are. Man has all the freedom to define himself. And most of these definitions violate his own freedom. It is a part of man's freedom to decide that he is not free. So great is man's freedom that if he decides that he is not free, nothing can stop him from deciding that way. So it depends on how one looks at himself, what he calls himself. Obviously, when we say I am free or I am not free, it implies a particular dependency. If my being is dependent on something, then surely it is not freedom. And the greater is the dependency, the greater is the lack of my freedom. What is my self-definition? When I say I am, I exist, does this I am-ness, does this sense of existence call too many external factors into question? Do I feel diminished, for example, if others do not look at me in favorable terms? Do I feel diminished if the money at my disposal goes down? Do I feel diminished if my ideology is contradicted? Do I feel diminished as I see myself aging and losing physical strength? If either of these is happening, then surely my sense of self, my being, my existence is dependent on a lot of things. And it is not really a law of existence of nature that it has to be dependent on something. It's just that I decided that it is going to be this way. It is a part of my freedom. But if I have decided this way, then I cannot call myself free anymore. The redeeming part is, one always has the freedom to change his self-concept, his self-definition, his very understanding of the self. So man is neither free nor unfree, but what is certain is that he has all the freedom to raise himself, construct himself, and know himself in any way he wants to know himself.
सर ये क्या बोलते हैं फ्रीडम वाली बात हो रही थी तो कल वही ब्लॉग्स पढ़ रही थी तो उसमें एक लाइन लिखी थी कि फ्रीडम तुम्हारी मनमानी नहीं है। तो मुझे कैसे पता लगे कि अगर मुझे कहीं जाना है या फिर कुछ करना है तो वो फ्रीडम उसमें मेरा फ्रीडम कहाँ है? जब तक तुम हो और तुम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों अभिलाषाओं वासनाओं की दिशा में आगे बढ़ रही हो उसमें कोई मुक्ति नहीं है। बहुत विचार की आवश्यकता ही नहीं है। जब बात आती है आध्यात्मिक मुक्ति की तो उसमें एकमात्र मुक्ति होती है अपने आप से मुक्ति। और जब तक आपके क्रियाकलापों की दिशा आपकी इच्छाओं द्वारा निर्धारित की जा रही है तब तक बात बहुत स्पष्ट है कि मुक्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता। सवाल ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी एक इच्छा है ये करने की और दूसरी इच्छा है वो करने की तो ये करूं कि वो करूं मेरी फ्रीडम कहाँ है? कहीं भी नहीं है। मैंने इसीलिए कई दफे कहा है कि दूसरों की इच्छाओं पर चलना गुलामी है और अपनी इच्छा पर चलना उससे ज़्यादा बड़ी गुलामी है। दूसरों की इच्छा तो कम से कम पता चलती है कि दूसरों की इच्छा है, उससे मुक्त हुआ जा सकता है, पर अपनी इच्छा के साथ तो ये भ्रम जुड़ा रहता है कि मेरी है और उससे मुक्त होना और मुश्किल रहता है। असल में जो पूरी शिक्षा है, जो मन का पूरा संस्कार है, वो है ही स्वकेंद्रित। एक छोटा सा कमरा है, उसका नाम है मैं। तो जितने संकल्प विकल्प उठते हैं वो सारे उसी के भीतर के उठते हैं। कभी थोड़ा दाएं चल लेते हो, कभी थोड़ा बाएं चल लेते हो, कभी कह देते हो मेरा ये करने का मन है, कभी कह देते हो मेरा वो करने की इच्छा है। पर जो कुछ भी करते हो करते उसी के भीतर हो। अब उसके भीतर रहते हुए तुम ये सवाल पूछो कि मुक्ति कहाँ है? कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। और एक बात का ख्याल रखना, जितना ज़्यादा उस कमरे के भीतर गति करते हो तुम उतना ज़्यादा उस कमरे को अपने बंधन को वैधता दे देते हो। तुम उतना ज़्यादा अपने आप को यही जता देते हो जैसे यही दुनिया है तुम्हारी। गति ना करो, थम करके बैठ जाओ, तो फिर भी संभावना पैदा हो बाहर आ पाने की। परमन में दो तीन विकल्प उठते हैं, उन्हीं दो तीन विकल्पों पर चलते हो, और जब तुम उन्हीं दो तीन विकल्पों पर चलते हो तो उन दो तीन विकल्पों से आगे भी नहीं जा पाते। जब तीन विकल्प उठे मन में
तो कोशिश करो तीनों का स्वीकार करने की। जब तीनों का स्वीकार कर पाओगे तो बड़े चमत्कारिक रूप से कई बार चौथा अपने आप खुल जाता है। चौथा दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर चौथा खुल जाता है जब तुम तीनों का अस्वीकार कर देते हो। ये बात तुम्हारी आदत के विरुद्ध जाएगी, तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी तकलीफ होगी, उसी का नाम साधना होता है। साधना और कुछ नहीं है, यही है कि मन के जो संस्कार बन गए हैं, मन का जो भाव बन गया है, उस भाव के विरुद्ध जा पाऊं, यही साधना है। थोड़ा अभ्यास करोगे, थोड़ी साधना करोगे, फिर सब सहज लगने लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ डिज़ायर या कुछ इच्छा होता है, वो समझ में आ रहा था कि इन्फ्लुएंस से आया है, बट वो इतना पिंच कर रहा था दिमाग में, जब तक उसको ना करो तो मतलब शांति से बैठ नहीं सकते। फिर क्योंकि वो हमेशा फिर दिमाग में हावी हो जाता है वो चीज़, तो मतलब इसका क्या है, मतलब ये बट पता है कि इट्स इन्फ्लुएंस, और जैसे कोई भी जैसे कोई मूवी आ गया, ठीक है, अब पता है कि एक कोई इन्फ्लुएंस, सब लोग जा रहा है, अब नहीं जाओगे तो देन इट विल बी, आपको जैसे मार्केट में गए आप, कहीं भी कुछ खाने का मिल रहा है तो पता है कि ये खाने से मेरा ख़राब होगा ही होगा, शरीर ख़राब होगा जो भी है, बट होता है कि अगर ना करो तो उल्टा और ज़्यादा शांति हो जाता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि चलो कर ही डालो इसको, जिससे कि ये चीज़ शांत हो जाएगा, फिर आई कैन लिव पीसफुली। कर डालो हाँ। और उसके जो परिणाम हो उनके प्रति पूरे तरीके से आंखें खुली रखो। फिर सर फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो रिपीट नहीं होता है, मतलब नेक्स्ट टाइम जब आता है तो कई बार होता है कि वो फिर भी कुछ चीज़ें होती है रिपीट होती रहती हैं। अगर कुछ बार 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 एक ही चक्र में चल रहा है तो इसका अर्थ यही है कि उसके प्रति जगे हुए नहीं। जिस चीज़ को खुल करके देख लिया, जिसका आदि अंत सब जान लिया, वो जीवन से बाहर हो जाता है, वो दोहराव की प्रक्रिया से बाहर हो जाता है। अगर कुछ भी है जो एक चक्र की तरह जीवन में लगा ही हुआ है, तो वो वही है जिसका कभी गौर से बारीकी से अवलोकन किया ही नहीं।